का नहीं पूछा वरना लावणो पहुंचा दियो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएंगे उनको लावणा भी पहुंचाएंगे। तो आज सुहावणी को आयोजन कर रहे हैं, जनता है जो लोग हैं जुड़े हुआ बालाजी से अभी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो थाने जो किसोक के लाग रहे। राम राम दोस्तों, मेरो नाम अरविंद कुमार और थे देख रहे हो न्यूज दोरारी। तो आज आप बालाजी स्टैंड के ऊपर जो सुपकरण जी चौधरी है बना का द्वारा एक सुहावणी को आयोजन करे गयो हो, जी के अंदर समस्त उदयपुर वाटी का जो लोग हैं बना ने न्यूतो दियो गयो हो। और अब थे देखेगा कि सुहावणी है बात चालू हो चुकी है, लोग है वे जीम रहे ही जा रहे हैं और बहुत सारा लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ बच्चा भी आ रहे हैं, महिला भी आ रही हैं। और थाने ईजा देखने के लिए मिलोगे बड़ी संख्या में थाने आया। अब फिलहाल हाल फिलहाल में भी अगर थे देखोगा ये टेंट के अंदर जठे जीमान को प्रोग्राम चल रहा है, सुहावणी प्रसाद दियो जा रहा है, वी के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर लोग है ईजा मौजूद हैं। तो बड़े लोगों से भी थारी बातचीत कराऊँगा जो यह सुहावणी की खातर रखी गई है उसके बारे में थाने बताऊँ। तो यह सुहावणी रखी गई है कि नीम का थानों एक नयो जिलो बनायो, तो भी की कुछ पंचायत ही जो नीम का थाना जारी जिसे बनकर बहुत असुविधा हो रही है, ताकि क्योंकि नीम को थानों बन से काफ़ी दूर हो। और बी का उपलक्ष्य में जो सुकरण जी बोल रहे हैं कि मैं एक बालाजी महाराज से विनती करी है कि मैं एक थारो प्रसाद है वो बनवा दूँगा, अगर थे ये पंचायत झूझनू गुड़ा गोड़ जी का अंदर रख दोगा ताकि जनता के कोई प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आठे मौजूद जो लोग जिम रहे हैं और जो जिम के आ रहे हैं बना से बात कराऊंगा। तो आज सुहावणी को आयोजन कर रहे हैं, जनता है जो लोग हैं जुड़े हुआ बालाजी से अभी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो थाने जो किसोक के लाग रहे। अच्छा लगता है, घर पर मेहमान आते हैं और कोई भगवान के आराधना में साथ देता है तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सब लोग आए हैं, सबसे राम श्याम हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो यार सुहावणी अब कह रही रखी गई है कि और भी आगे रखी जाएगी। देखिए भगवान अगर काम समर्थ दे तो ऐसे काम तो रोजाना होते रहने चाहिए। हम तो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, प्रभु की आराधना और प्रार्थना में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जब मैं तो कोशिश करता हूँ कि ईश्वर हमें इस लायक बनाए कि रोजाना ऐसे काम होते रहें। भंडारी और कोई मनोकामना मांगी कि ये मनोकामना पूरी होने के बाद हुई है? नहीं, यह मनोकामना तो पूरी होगी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है और काम है। वो भगवान के सामने मांगने वाली चीज आम जनता के सामने थोड़ी बताई जाती है, वो तो प्रभु की और हमारी बात है, उन्होंने पूरी करी, हमने उनकी बात मान ली, अब आगे भी उनसे मांग। हम तो याचक हैं, प्रभु से हरेक व्यक्ति को मांगते रहना चाहिए। मैं भी एक आम मानव हूँ, प्रभु से मांगने में क्या बुरा है। जका लोग अभी जाओ जिमण ने पूछा कुने ही बड़ा खिले के खड़ो चाहो थे आ रहे हैं सब लोग, ये तो शाम को बताऊंगा जब नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तो बहुत आ रहे हैं लोग, डेला लगा है आपके सामने, देखिए कितने लोग आ रहे हैं, शाम तक सब आएंगे। जका नहीं पूछा वरना लावणो पहुंचा दियो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएंगे उनको लावणा भी पहुँचाएंगे। जो लोग नहीं आ सकते हैं सब सबके लिए तैयार है, तो भंडारा है, बाबा का प्रसाद है सभी के लिए। के आशंका किता के मतलब जनता आ जाएगी जो जुड़ा हुआ है बालाजी से लोग ही। मैं तो सुबह से बस जनता की सेवा में लगा हूँ, गिनती करना मेरा काम नहीं, पर अच्छे लोग आ रहे हैं, लगभग उदयपुर वाटी का सारा लोग आ जाएंगे। आप देखिए गिनती तो आपको करनी चाहिए, फिर आप लोग क्या करोगे, सारे काम नहीं करूँगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो भाई साहब जी मैं आएगी हो, मैं जी मैं यार कल सूचना मिली थाने मैं रात ने मिली गुरु मैं मैसेज आयो के बतायो और सुभगन चौधरी की फोटो लाग रही मंडर होगी जीवन आ रहा है जीवन लगी बजे तक, तो भी मैं भी लिख रहा हूँ कि कारण है वो कारण तो ध्यान में कौन दिया बस। हाँ जिमन देखा है बस जिमे आएगी हो दाप के तो खाए होगी हो दाप एक लो आयो घरकान भी ले आए ना सागाला बाया यहाँ अपने घरकान को ले घर का पहले जिम का घर का तेरू एडवांस ही तेन खाली छोड़ गया जना है तो अब घर का तेरू है स्वामी करवा रहे कहीं आ तो ध्यान बने यार भाई साहब नीम का थाना में कोई पंचायत जारी हर थिंग बने के उपलक्ष्य में कराए हुए मनोकामना पूरी होगी भाई आई जाएगी हो जना तो बढ़िया राम जी आ जाए मनोकामना पूरी हो वहाँ की। राम राम अंकल जी राम नमस्कार जी जी मैं आएगी हाँ जी मिलिया बालाजी को प्रसाद की सोग लागे बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं चौधरी जी और भगवान बालाजी महाराज सुनाई करे वो आकर मनोकामना पूरी करे वो कितनी भीड़ आ गई इजा थार देखने में करीब सुबह से लेकर अब तक 50,000 आदमी आ चुके कितना ही चला वो प्रोग्राम जो शाम के 9 बजे तक है के हिसाब लग गए थाने जनता और कितनी आ जाएगी जनता को करीब 70-80 हज़ार आदमी आ जाएगा मतलब अभी भीड़ है वहाँ आ रही है गाड़ी में कोई टेम्पो में क्योंकि गर्मी की वजह वो आ रही है जा रही है रुक उन रही है भीड़ काफी सुबह से हुई है भीड़ लगातार चल रही है तो थे खुद थारे साधन आए हो साधन भेजे गए हो साधन भेजे भी और मैं लगा हुआ है मारो मैं खुद का साधन भी लेके आया थे घर कन ले हो गए एकला ही खा के राजा होगा घर का भी आए टाबे टिकर भी आए सब आए सोपन चौधरी और एकदम खास मित्र आदमी ही सका सका कोई भेदभाव करें कौन भी आदमी ठीक है और ओ बालाजी महाराज को प्रसाद होयो सकले होयो
एक मैं न वोट की है न कोई और है, ठीक है, और सको लाग लगाओ भाई है बालाजी महाराज की तरफ से, सर आपकी इच्छा से आए ही, ठीक है, और मैं मारो हाँ एक लाया हो, पूरा परिवार ने लिया, टेम्पू में आए हो गाड़ी में ना, गाड़ी है अपना साहब, गाड़ी में हाँ आपने पर्सनल गाड़ी है, जिम लिया मैं तो परिवार ने जिम आती और शाम को तो जिम लेंगे मैं तो दोपहर लेगा हाँ दोपहर लेंगे हाँ तो तेजा खड़े हो स्वामी जी में हाँ जी मैं के खाए हो सब खाए बूनिया खा लिया पूरी खा ली सब्जी खा ली नमकीन खा ली किसोक लागे खानो बहुत बढ़िया खानो और कड़ी भी खाए हो ना और कड़ी कोई मिले आज से कौन मिले हो आज पहली बार मिले है मेरे तो कौन करवाई स्वामी सुगुन चौधरी जी करवाई है के उपलक्ष में करवा दी करवाई के 24 पंचायत थी ना ये नियमित तड़ाम जारी आगे आशीर्वाद से मेहनत कर की और वापिस झूले में राख दिया कितनी के जनता आ गई जनता कम से कम 50,000 आदमी तो लगभग आ रहे हैं मतलब शाम तक रात के रात तक लाख की जनसंख्या हो जाएगी कई हज़ार आदमियों को खाना बनायो 60,000 आदमियों को खाना बनायो बाकी को 40,000 को की जाओ ले पड़े ही हो रहे खानो हलवाई लाग रहे हैं हलवाई लाग रहे हैं 40 हलवाई लाग रहे हैं जय श्री राम के क्यों खाने में खाना सब बढ़िया हो बहुत बढ़िया खाना हो और बढ़िया पेट भर के खाना खाए तो ये स्वामी लेके था रखे विचार ही विचार बढ़िया है बढ़िया पूरा दिन से ध्यान से साथ देंगा बालाजी की स्वामी है बालाजी की स्वामी है और घर का भी लाए होगा एकला घर का भी आ रहे हैं धीरे धीरे और आ रहे हैं सर हरी तरफ लिया है ना घर का लिया है।